अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान का जो रोज़ा है वो बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। हमारा भी बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो ये वीडियो था फर्स्ट रोज़े के दिन का, तो मुझे कुछ चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी थी तो मैं वो कर रही थी, एंड ये सब काम थोड़ा रह गया था, डिले हो गया था, तो वो आज मैं कर रही हूँ। और इसके बाद ही मैं करने लगी थी इफ्तार की प्रिपरेशन। तो इफ्तार की प्रिपरेशन में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मुझे टाइम का पता नहीं चला, एंड मैं थोड़ा सा लेट काम करना स्टार्ट करा था। तो नेक्स्ट डे से मैं जल्दी ही काम करना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है रमज़ान के दिन में। तो आपको इबादत के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है एंड उसमें बहुत कुछ देखना भी पड़ता है। तो चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने करा था आलू एंड एग बॉयल, एंड इसे मैं पील करके इसको मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी पकौड़ी की तैयारी, तो मैंने यहाँ पे लिया था पोटैटो एंड उसे मैं स्लाइसेस में कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने ब्रिंजल पे लिया था, उसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। यहाँ पे मैं एक को भी कट कर लूँगी एंड इसे रख दूँगी, एंड इस पे से थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें आप। तो यहाँ पे मैं पोटैटोज़ को मैश कर दूँगी। मुझे बनाना था ब्रेड पकौड़ा एंड साथ ही बनाना था पापड़ी चाट, तो इसके लिए हम आलू को मैश कर रहे थे। पापड़ी चाट में थोड़ा सा मैश आलू जाता है तो मैं इसे थोड़ा सा निकाल के रख दूँगी। उसके बाद मैंने ब्रेड पकौड़ा का फिलिंग तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अनियन भी कट करा था एंड ये था, हमने बेसन का घोल तैयार करके रखा था। दही वड़े बनाना था, उसके लिए हम मैंने डो तैयार करके रखा हुआ था, बैटर मैंने तैयार कर रखा था, एंड साथ ही हमें बनाना था पुआ, तो उसके लिए भी हमने बैटर तैयार करके रखा था। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने ब्रेड पकौड़ा की तैयारी। तो मैं इसमें चिली सॉस एंड टोमेटो केचप मैं इसमें लगा रही हूँ। आप इसे अपनी मर्ज़ी के सॉस इसमें आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे चिली सॉस भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पोटैटोज़ का फिलिंग तैयार हो गया था। तो अब मैं इसे अच्छे से ब्रेड पे लगा दूँगी एंड इसे कट कर दूँगी। तो हमें यहाँ पे लेट हो गया था काफ़ी क्योंकि टाइम इफ्तार का नज़दीक आ रहा था एंड हम बहुत ही जल्दी जल्दी करीबन 1 आवर बचे हुए थे इफ्तार के लिए। तो मैंने जितना जल्दी हो सके हमने जल्दी जल्दी करा था कि सब टाइम पे हो जाए, बट एक दो चीज़ें रह भी गई थी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में शूट कर लेंगे। तो हमने चाट बनाना था, हमें तो चाट नहीं बन पाया क्योंकि वो बनाना रह गया था। तो यहाँ पे हम बना रहे थे शरबत। तो यहाँ पे हम लेंगे वाटर, यहाँ पे लेमन एंड साथ में रूह अफ़ज़ा, एंड इसे आप अपनी मर्ज़ी का मीठा बना सकते हैं। इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं, या फिर शुगर, ब्राउन शुगर, जो कुछ भी आप चाहें वो डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स करके इसे फ्रिज में डाल दें। तो यहाँ पे मैं साथ साथ चिकन बना रही थी, तो इसके लिए मैंने अनियन को ब्राउन कर रहा था। फिर यहाँ पे मुझे बनाना था हलवा, तो उसके लिए मैंने लिया था रवा करीबन 1 कप, एंड इसे मैं घी में थोड़ा सा रोस्ट करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। मुझे थोड़ा सा घी यहाँ पे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड करा था, एंड इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। एंड उधर हमारे पकौड़ियाँ तल रही थी एंड वो भी तैयार हो रही थी, साथ साथ मैं इधर जितनी जल्दी हो सके उतना करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अभी बहुत ही कुछ पड़ा हुआ था। एंड साथ में हमने डाला शुगर, जितना मैंने डाला था उसमें रवा उतना ही हम शुगर लेंगे। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करें और वाटर को ड्रेन होने दें। तो हमारा उधर चिकन भी रेडी हो रहा था तब तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पूरा वाटर इसमें जो है ख़त्म हो चुका है। तो हमने एक प्लेट लिया था एंड उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे एंड इस पर हमारा जितना जो है इसमें हम डाल देंगे और इसे सेट
होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप इसे हाथ की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं और इसे ये ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ब खुद सेप ले लेगा। यहाँ पे मेरी सिस्टर कट कर रही थी फल, तो हम फ्रूट चाट नहीं बनाते हैं, हम ऐसे ही फ्रेश फल खाना पसंद करते हैं। आप इसे कट कर ले, आप जो मर्जी फल इसमें ऐड करें एंड साथ में इसे मिक्स कर दे एंड उसमें डाले सॉल्ट एंड चाट मसाला और जो मर्जी जो मिक्स फ्रूट होता है वो मिक्स फ्रूट जूस आप उस उसमें वो ऐड करें और थोड़ा सा शुगर या ब्राउन शुगर ऐड करें और हमारा मज़ेदार सी फ्रूट सैलेड तैयार हो जाएगा बनके। आप अगर फ्रूट सैलेड बनाना चाहते हो तो आप उस तरह बना सकते हो। पील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। यहाँ पे हम बना रहे थे सैलेड जिसमें होगा कुकुम्बर एंड साथ ही जाएगा इसमें टोमेटोज एंड लेमन, दैट्स इट। एंड ग्रीन चिली, आप इस पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं एज योर विश। हमारे यहाँ इफ्तार थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है बिकॉज़ जितनी हमारे घर पे रहते हैं इफ्तार हम सब करते हैं उतना ही क्वांटिटी जाता है। यहाँ पे मस्जिद है उसमें जाता है डेली टू डेली, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और हमें जल्दी ही इफ्तार बनाना पड़ता है। एंड आज तो बहुत ही ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे थे पापड़ी चाट जिसके लिए मैंने लिया था पापड़ी। एंड अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में चेक करें, मैंने इसके डिटेल में वीडियो शेयर किया है। तो पापड़ी चाट में डालने के लिए मैंने यहाँ पे ली कट कर रहा था थोड़ा सा अनियन एंड अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये मेरी सिस्टर्स को बहुत ही पसंद आता है, तो ये पापड़ी चाट एंड दही बड़े ये इफ्तार में होना ही होना है, रहता ही रहता है क्योंकि ये लोग को बहुत ही पसंद आता है। और साथ में हमने डाला अनियन, आप इक्वल क्वांटिटी में सब पे डाल दें। एंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे योगर्ट, जिसमें योगर्ट में मैंने सॉल्ट एंड शुगर डाल के थोड़ा सा डिप कर लिया था। एंड इस पे डाले जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर एंड साथ में जाएगा चटनी जो आप चाहें। तो यहाँ पे मस्जिद में जाने के लिए हमारा इफ्तार मामा सर्व कर रही थी, तो आप देख सकते हैं हमारा जो हलवा है कितना अच्छा से वो सेट हो चुका था।
ऊपर से डालेंगे इसमें हम सेव, आप आलू भुजिया भी डाल सकते हैं अदरवाइज सेव आपके पास ना हो तो। यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही थी चाट मसाला पाउडर एंड साथ में भुना जीरा पाउडर एंड आप जो मर्जी आप चटनी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें इमली का चटनी डाला था जो शायद मैंने स्किप कर दिया था इसमें वीडियो में दिखाना। तो यहाँ पे हम अपने दही भल्ले स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, तो हमने इसे वाटर में डाल के इसका पानी स्किप कर लिया था एंड साथ में हमने ऐड करा इसमें दही जिसमें मैंने सॉल्ट एंड शुगर मिक्स करा था एंड साथ में इसमें डाला हमने चाट मसाला पाउडर, भुना जीरा पाउडर एंड चिली फ्लेक्स एंड इमली की चटनी, हरी चटनी यहाँ पे मैं नहीं बना पाई थी तो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड करा था, अदरवाइज़ आप हरी चटनी भी यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम बहुत ही करीब आ चुका था तो मैं इसके बाद सूप नहीं करा था, इसके बाद हमने इफ्तार किया एंड साथ में अपना डिनर भी। तो ये थी सेहरी की क्लिप, मैं बनाने जा रही थी पराठे जिसके लिए मैंने डो तैयार कर रखा था। तो यहाँ पे मैं इसे पेरी बना के रख लूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं पराठे भी यहाँ पे रोल कर लूँ बट इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं अपना सेहरी कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा था तो मैं अपनी सेहरी की प्लेट थी जो रेडी कर रही थी। आप मुझे देखोगे मेरा डेली का यही सेहरी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया था ब्रेड एंड साथ में 1 egg एंड साथ में लूँगी मैं वाटरमेलन एंड पपाया, आप जो मर्जी फल अगर आपको खानी है तो ले सकते हैं, ये मेरी फेवरेट, ये मुझे पसंद है तो मैं ये खाना पसंद करती हूँ एंड साथ में ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट मैंने थोड़ा सा ऐड करा था एंड इसके बाद हम फिनिश करेंगे अपनी सेहरी। ये थी छेना जो हम खाते हैं सेहरी में लेते हैं। इसमें प्रोटीन भर भर के होता है तो प्रोटीन हमें एनर्जी भी देती है तो इसलिए मैं लेती हूँ। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर आ गई थी तो वो बोली कि मैं पराठे रोल करती हूँ, तो मैंने उसे दे दिया था तो उसने पराठे बनाए थे। तो आप सारे पराठा रोल कर लें एंड साथ में इसके बाद इसे अच्छे से पका लें, पराठे कच्चे नहीं होने चाहिए एंड पराठे चाय हम सेहरी में लेते हैं। बाकी लोग मैं तो अपना सेहरी कर चुकी थी तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूंगी और मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, रमज़ान खूब 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 इंजॉय करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।